कभी कभी होता है ना, जैसे अब लड़कों में पंकज नाम के भी दो तीन लोग हैं। चलिए, तो मैंने पूछा था किस तरह की रेखाएं हैं, तो बहुत से लोगों ने बताया कि ये लंब रेखाएं हैं। कौन सी हैं ये? परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, कल ही मैंने पढ़ाया था ना। देखिए, ये बताइए इस पे एंगल कितने का बनेगा, बताइए। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण, टॉपिक क्या है, कोण है। इस पर कितने का कोण बनेगा? 90 का बनेगा। यानी जब दो लंब रेखाएं आपस में मिलती हैं जहां पर, वो वहां पे क्या होता है, 90 का कोण बनता है, 90 का बनता है। ठीक है, 90 का कोण बनेगा। हम बात कर रहे हैं एंगल के बारे में, एंगल यानी कोण। कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी? दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उनमें जो झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं। दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उनमें जो झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं। जैसे ये दो सरल रेखा आपस में मिली, इस पे क्या एक झुकाव है जहां पर मिल रहा है ये, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं, एक ये रेखा एक ये है, इसमें भी यहाँ पे झुकाव है। ये किसी भी तरह से कहीं से भी रेखा मिल सकती है, जरूरी नहीं कि वहीं पर मिलेगी, यहाँ कहीं भी मिल सकती है। यहाँ पे क्या एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, मानते हैं थीटा है, यहाँ पे सभी क्या है, कोण बन रहे हैं। जो लोग परिभाषा लिखना चाहें लिख लीजिए। दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। निधि मौर्या, राम लखन की, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको मिटाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये बताओ भाई कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, जरा सोचिए और बताइए कोण कितने प्रकार के होते हैं। शिल्पा केसरवानी की कमेंट आपका आ रहा है, ठीक है। जो छात्र कल वाली क्लास में जुड़े थे उनको पढ़ाया गया था कोण के कुछ अंश, लेकिन मैंने कहा था कि आज मैं एंगल की शुरुआत करूंगा और आज मैं शुरू से पढ़ाऊंगा ना, तो ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है। एंगल हो गया, क्या है ये एंगल, आप इसके बारे में समझ गए, सही लिखा हूं ना, ए एन जी अली, बहुत अच्छे भाई। लकी जी ने बताया 7 प्रकार के होते हैं। दिव्या पांडे बता रही कि 4 प्रकार के कोण होते हैं। आकांक्षा भी 5 प्रकार की बता रही, अन्नू 7 प्रकार के। मतलब आप लोग कौन कौन से ग्रह से आए हो भाई? हाँ, कुछ मंगल से हैं, कुछ चंद्रमा से हैं, कुछ बृहस्पति शुक्र शनि से भी हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग उत्तर बता रहे हैं। आखिर अगर सही जवाब है तो इकट्ठ ही होगा ना, अब तो नहीं होगा ना। देखिए, हम लोग यहाँ पर कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे, मुख्यतः मेन मेन जो बात करेंगे, जो हम लोग जानते हैं प्रायः पढ़ते हैं, वो 7 प्रकार के। ठीक है, 7 प्रकार के लिखिए, नीचे अगली हेडिंग में डाल दीजिए कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। ठीक है, पहला होता है न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। पहले आप लोग लिख लीजिए फटाफट, ठीक है, लिख लीजिए साथ साथ में, लिखते जाइए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है बाबू भैया, ये मैथमेटिक्स है, लिखते जाइए। अगला है राइट एंगल, वैसे पहले लिखिए एब्ट्यूस एंगल, एंगल यानी अधिक कोण। ठीक वाला लिखिए राइट एंगल, यानी सम कोण। सातों प्रकार के लिख लीजिए फटाफट, ठीक है, देयर आर 7 टाइप ऑफ एंगल, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे विद्यासागर जी, देयर आर 7 टाइप ऑफ एंगल। अगला है स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, जिसे रिजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिजु कोण बोलते हैं। ये आपके 4 टाइप के एंगल हो गए, फटाफट लिखते जाइए।
अगला फाइव वाला है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। आपने सुना होगा बहुत सारे कैमरे वगैरह मिलते हैं जो कहते हैं 360 घूमता है, 360 मतलब चारों तरफ। पलक राय, हाँ जी बिल्कुल, कमेंट आपका आ रहा है और गाइज भी आपको देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला है जीरो एंगल, शून्य कोण और रिफ्लेक्स एंगल। पहले रिफ्लेक्स वाला लिख लीजिए, रिफ्लेक्स एंगल, स्पेलिंग सही लिखा हूं ना, जिसे बोलते हैं बृहत कोण, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बृहत कोण। और जी यानी सेवन वाला है जीरो डिग्री एंगल ना, इसे बोलेंगे जीरो एंगल, क्या बोलेंगे जीरो एंगल, शून्य कोण। तो ये आपके सात प्रकार के कोण होते हैं, इनके बारे में कल मैं डेमो दिखा चुका हूं, आज पूरी पिक्चर दिखाएंगे। माया देवी बिल्कुल जीरो लेवल से ही सिखा रहे हैं यहाँ पे। जिन छात्रों को बेसिक मैथ्स ज्वाइन करना है बिल्कुल शुरू से, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पे कांटेक्ट करिए, ठीक है, नीचे नंबर चल रहे हैं आप लोग उन पे संपर्क करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा, जो भी आप जानना चाहते हैं क्लास से संबंधित। चलिए अब हम यहाँ पर डिटेल बात करते हैं साथियों। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, तो ये ऐसे कोण होते हैं जो 90 से कम होते हैं, क्या होते हैं 90 से कम होते हैं, बस आप इतना जान लो। लेकिन जीरो डिग्री से बड़े होते हैं, शून्य कोण से बड़े होते हैं, 90 से अधिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी एंगल ऐसे भी बना है, अगर ऐसे झुका हुआ है अगर, तो ये क्या है, न्यून कोण है। ऐसे बना है क्या है, न्यून कोण है। ऐसे बना है तभी क्या, न्यून कोण है। एकदम सीधा लाइन नहीं होना चाहिए, और ना सीधा होके पीछे को भी नहीं झुकनी चाहिए। लेकिन अगर तुम कहो ऐसे हो जाए चाचा ऐसे, हाँ इधर के बजाय इधर एक झुक जाए, ऐसे होता नहीं है ऐसे, तब अगर इधर वाला कोण कहेंगे तो न्यून कोण नहीं होगा। हाँ अगर इधर को झुकी है लाइन ऐसे, तो हम इधर वाला न्यून कोण कह सकते हैं। ये अगर इसको बी लिख दें, इसको ए लिख दें, तो हमारा बी वाला न्यून कोण हो सकता है, लेकिन ए वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर 90 से ज़्यादा हो रहा है, उधर 90 से कम हो रहा है। समझ में आया ना, यानी आप कह सकते हो कि 1 से लेकर के 89 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। अब जो लोग इसमें मैथमेटिक्स में PhD करने वाले हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए नहीं है। अगर तुम ये कहो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चों के सवाल आते हैं मैंने देखा है कि भैया गुरुजी 89 वाला तो बता दिए हो कि 89 वाला तक न्यून कोण है, अब आप कहोगे कि 90 से सम कोण है, तो ये बताओ 89.1 89.2 अगर दशमलव में जाएंगे तो कौन सा कोण होगा। तो देखो भाई यहाँ पे हम इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ना कहीं पूछा जाता है। इस पर चर्चा करेंगे तो कहानी लंबी हो जाएगी, फिर ये क्लास बहुत देर में ख़त्म होगी, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है भाई। नीलम यादव जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, आइए चलिए। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है जानते हो, ये ऐसे एंगल होते हैं जो 180 से अधिक होते हैं कि नहीं, हाँ 180 के अंदर होते हैं। ये 91 से स्टार्ट होते हैं भाई, और 179 तक होते हैं चाचा, ये क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं, याद रखना, अभी क्वेश्चन पूछेंगे ढेर सारे, ठीक है। अच्छा कोई इसमें से दो दो अधिक कोण बताइए, हिजा खान गलत है तुम्हारा, गलत है, आप लोग दो दो अधिक कोण बताइए। सबसे पहला जवाब जो देगा उसका नाम मैं बहुत तेज से लूंगा, और उसको एक सरप्राइज भी मिलेगा। चलो प्रभा, दीपक, शिल्पा, 90 से अधिक और 180 से कम, बिल्कुल कमलेश जी करेक्ट। सबसे पहला जवाब जो मैं पूछा हूँ उसका कौन देगा भाई, पंकज गौतम बता रहे, बहुत अच्छे पंकज, वेरी गुड, सबसे पहला जवाब है पंकज गौतम का, पंकज बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है।
और पंकज के बाद बहुत से लोगों ने बताया है, प्रीति, रचना, नेहा गुप्ता, नेहा गौतम, दीपिका पटेल। ठीक है, आप लोग समझ गए। 91 से अधिक, 179 से कम, वो अधिक कौन होता है? यानी अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल की, जैसे 95 हो गया, 105 हो गया, 120 डिग्री हो गया, 135 हो गया, 160 अंश हो गया, 150 अंश हो गया, 175 हो गया, 171 हो गया, 178 हो गया, ये सभी क्या हैं? अधिक कोण हैं। इनके बीच में और जो भी छूट जा रहे हैं वो सभी भी अधिक कोण हैं। समझ गए ना? तो ये आप समझ गए, इसमें कुछ बताना नहीं है, आगे अभ्यास प्रश्न होंगे तो आप वहां से क्लियर कर लीजिएगा। अगला साथियों समकोण। समकोण तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो अद्वितीय होते हैं, जैसे उस दिन आपको मैंने वफा और बेवफा के बारे में बताया था ना। जिसे अगर पुराने जमाने से जोड़ें तो पुराने जमाने में होता था एक वर्ड, आपने सुना होगा, पतिवर्ता नारी। कितने लोग सुने हैं पतिवर्ता नारी? पतिवर्ता नारी मतलब जानते हो आप? जैसे लोग भगवान का व्रत करते हैं ना, वैसे पहले की जो नारियां हुआ करती थी वो पतिवर्ता होती थी। पतिवर्ता में कुछ अंश मुझे याद हैं, हाँ मुझे कुछ बातें जो याद हैं कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उनके खाना खाने के पहले खाना नहीं खाना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह होता है। लेकिन ये आज के मॉडर्न ज़माने पे लागू नहीं होता है। आज के मॉडर्न ज़माने पे ये सब होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो ना? तो आजकल तो लोग फलाने के नाम लेके बुलाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही कहते हैं। तो ये मैंने वर्ड जो अभी बोला, इसको क्यों बोला, इस कोण से क्या संबंध है उसका? इस कोण से ये संबंध है, जैसे मैंने कहा था ना कि पतिवर्ता में एक है लोक का, मतलब आपस में कनेक्शन होता है, संबंध होता है, रिलेशन होता है, ऐसे समझ लीजिए। बाकी उसमें और कोई गुंजाइश नहीं होती किसी और की। समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे इसमें जो चार कोण होते हैं ना आपके, जैसे शून्य कोण और सम कोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण, इनके एक एक एंगल होते हैं, एक एक एंगल होते हैं। जैसे 90 अंश होता है समकोण, एकट ही होता है, ऐसा नहीं कि समकोण दो चार ठेवर होता है, नहीं। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने बताया पतिवर्ता नारी के एक हस्बैंड होते हैं, एक से अधिक नहीं होते हैं। बाकी मॉडर्न में अब किसी को कुछ कहने में भाई बुरा नहीं मानिएगा, मतलब मेरा समझिएगा, नहीं तो कोई कुछ और मतलब निकाल ले। तो समकोण में सिर्फ एक कोण होता है 90 का, ऋजु कोण में 180 का सिर्फ एक कोण होता है, जो ऋजु कोण कहलाता है वो एक होता है 180 वाला। ऐसा नहीं कि आप 185 को भी ऋजु कोण बोलेंगे, हाँ समझ रहे ना? संपूर्ण कोण में एक का एंगल होता है 360 का, एक से अधिक नहीं होता है। शून्य कोण में भी एक का एंगल होता है 0 डिग्री का, एक से अधिक नहीं होता है। लेकिन अगर हम न्यून कोण की बात करें या अधिक कोण की बात करें या बृहत कोण की बात करें, तो ये मॉडर्न जमाने के हैं। अब यहाँ पर जहां मैं नारी नारी बोल रहा था, यहाँ पर पुरुष भी हो सकता है। क्यों? पतिवर्ता नारी की जगह पे पत्नी वर्ता पुरुष नहीं हो सकते क्या? हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, हा? तो यहाँ पर सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, सब समान है, इक्वल है ना। आइए देखते हैं। तो तीन कोण मैंने ऐसे बताए, जैसे एक बृहत कोण, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण। ये एक से अधिक होते हैं, मतलब ये ना तो पत्नी वर्ता होते हैं ना पतिवर्ता होते हैं, ये मॉडर्न जमाने के हैं। मतलब विदेशों का मान लो, जैसे आपको पता है विदेशों में, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, अन्य देशों में 40% बच्चे बिना शादी के होते हैं, 40% शादी पहले होते हैं। वहां सब कुछ चलता है, इतनी गंदगी होती है ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब बच्चा को पता नहीं होता पापा कौन है हमारे, तो ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारा देश शुद्ध है, हमारे देश की संस्कृति ही पूरे विश्व के लोग जानते हैं। यहाँ पर साथ जन्म जन्म का साथ होता है, बातचीत भले ना हो, मार पिटाई रोज होती रहे, लेकिन साथ नहीं छूटता है ना। तो हाँ, मेन तीने आपको बताना था, न्यून कोण, अधिक कोण और एक बृहत कोण, यही तीन समझने वाले हैं। बस सिर्फ यही तीन समझने वाले हैं।
न्यून कोण में 1 से लेकर के 89 तक के एंगल न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण में 91 से लेकर के 179 तक अधिक कोण होते हैं, और बृहत कोण में 181 से लेकर के 359 तक के कोण बृहत कोण होते हैं। क्यों, मैंने सही लिखा कि नहीं? अब 181 से शुरू और 359 पर खत्म, इसके बीच के जितने भी एंगल होंगे सभी बृहत कोण होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अब ध्यान देना आप लोग और बताना, अगर मैंने लिखा 190 अंश का कोण तो ये क्या है? अगर ये बृहत कोण है तो आप लोग बोलोगे सी, और अगर ये अधिक कोण है तो लिख के बोलोगे बी, लेकिन कोई बी भी नहीं लिखना। चलो बताओ बी या सी क्या क्या होगा? जल्दी करिए फटाफट। बताइए फटाफट, चलिए क्या आएगा? शिल्पा केसरवानी, ठीक है ट्राई करके देखिए फटाफट, चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए। ठीक है ओके। दीपिका पटेल, अन्नू, कमलेश, पंकज, तो सभी समझ रहे हैं ना? जिनका सी जो बोल रहे हैं उनका सही है, जो लोग सी बोल रहे हैं उनका सही है, और जो लोग बी बी बोल रहे हैं उनका तो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था सिर्फ बी लिखना, बी बी मत लिखना, दोनों में अंतर है ना? तो ये क्या है? बृहत कोण है। 181 से 359 के बीच के जितने भी एंगल हैं वो सभी बृहत कोण हैं। सभी क्या है? बृहत कोण है, जिन्हें इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आप लोग दो दो रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल बताइए। बताइए दो दो बताइए, कोशिश करिए एक बार। हाँ सबसे पहले कौन बता रहा भाई? ये फलनवा की बीबी कौन लिख रहा है? प्रीति, ये लोग पढ़ रहे हैं कि मजा ले रहे हैं? अभी फलनवा की मम्मी भी आ जाएंगी। अनुपम जी बहुत अच्छे, अनुपम जी ने सबसे पहले बताया है, दूसरे नंबर पर क्यूट फिजा खान है, और तीसरे नंबर पर सुप्रिया त्रिपाठी, अकमल, लकी, कमलेश, और कौन है भाई? जल्दी जल्दी बताए रहिए। नितिन, पंकज, अंजलि, अखिलेश, रेखा, ठीक है सही है। 181 से अधिक होना चाहिए, 359 से कम होना चाहिए। अच्छा अगर ये 359 की जगह पर 360 हो गया तब क्या होगा? 360 अंश का हो गया तब क्या होगा? कौन सा कोण होगा 360 अंश का कोण? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा वृत्त? यानी कहां कहां पैदा हो जाते हैं ये? कंप्लीट एंगल जी, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई दीपेंद्र जी, संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा? संपूर्ण कोण। सरिता देवी जी बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है तो आप लोग समझ गए कोण के बारे में, कोण का प्रकार समझ गए। अब इसका जो चैप्टर था ना, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, 10 वाला 11 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसमें त्रिभुज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है त्रिभुज वगैरह पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बचा है। अच्छा आप लोग वो बताइए, न्यून कोण का तीन तीन एग्जाम्पल बताइए, जल्दी बताइए न्यून कोण के तीन तीन उदाहरण बताइए। कोशिश करिए। अनु शुक्ला बोलो ना, जो लोग यहां बोल रहे हैं अभी हम पीटना भी शुरू कर देंगे। अरे ये पागल टाइप के कुछ लोग हैं ना अगल बगल, वही चिल्ला रहे। दीपेंद्र, हार्दिक, 85
ठीक है, मैंने पूछा था न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 89 से कम होना चाहिए बस, आप सॉरी 90 से कम ना, 89 तक होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सभी समझ गए तो एक बार में एक सुर में बोलिए यस यस यस, सभी समझ गए ना। ठीक है, तो आप लोग कोण समझ गए और रेखा समझ गए, रेखाखंड समझ गए, तल, तलखंड और किरण, और मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बचा है, इससे ज्यादा और क्या पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, बच्चे की जान लोगे का, अब इतना तो बहुत है, तब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लोगे तो अगले में क्या करोगे। तो ये हो गया खत्म, इसमें क्या और बचा है कुछ, सबको समझ में आ गया ना। नहीं, क्लास खत्म नहीं हो रही है, रोना नहीं, नहीं नहीं, जो लोग मुंह बना रहे हैं रोए नहीं, क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी क्लास चल रही है, अभी कुछ ना कुछ होता रहेगा ऐसे। इसके बाद क्या है, त्रिभुज वाला चैप्टर है, वैसे तो हम अगले चैप्टर में घुस ही गए हैं ना। अब क्वेश्चन सुनिए और जवाब दीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कान खोल के, पानी वानी डाल लो, तेल वाला गन्ना सुनाई पड़ रहा हो तो सुनिए। पहला ऑप्शन है 180, पहले ऑप्शन लिखूंगा फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना है, दिख रहा है ना ये सबको, दिख रहा है ना। ये बताइए आप सभी लोग कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जल्दी बताइए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दो कोणों का योग बताना है। अंजलि वर्मा, रेखा, कमलेश, अनुपम, माया, नितिन, सुप्रिया, पलक, ठीक है, कोशिश करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन इसी में आपको जवाब देना है, अब मैं ज्यादा नहीं लिखने वाला हूं, बताऊंगा भी नहीं अभी, सब बताऊंगा मैं, सब पढ़ाया हूं भी, क्लियर करूंगा, एक एक सुनिए। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, आयत मीन्स रेक्टेंगल, अरे ये इधर को चौड़ा होता है इधर को लंबा होता है, आयत का प्रत्येक एंगल कितने अंश का होता है, जल्दी बताइए। आयत सुनाई तो पड़ रहा है ना, रेक्टेंगल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबसे पहला जवाब आया है। इसमें अगर हम देखें तो क्यूट फिजा खान का, बहुत अच्छे, 90 अंश, अस्नेहा सिंह, दीपिका पटेल, सरिता, प्रीति, माया, दीपेंद्र, कमलेश, पंकज, अखिलेश, अंजलि, ठीक है, सही है, कितना 90 होगा। किसी भी, चाहे वो आयत है या वर्ग है, उनके प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 90-90 के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, वर्ग यानी स्क्वायर की प्रत्येक भुजा होती है, समान होती है, असमान होती है, बराबर होती है, समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। सोनी यादव, देखिए कुछ लोग नाम के पीछे पड़ रहते हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे, हमारा नाम नहीं ले रहे, हम यहाँ भगवान का नाम नहीं जप रहे, देवी देवता नहीं आप लोग, हाँ जब उत्तर बताते हैं जो लोग पहले उनका नाम बोलते हैं, अब कहो कि हम याद करके आए ये सब नाम, तो हम याद नहीं किए, जिनका नाम हमें पहले दिखता है उनका नाम बोलते हैं। हाँ, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, देखिए ये सब चीज भी आपको आनी चाहिए, नहीं तो फिर कहेंगे कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं ना, हे भगवान ही तो बाहर दे दिए,
ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब खाना खा रहे हो तो बर्तन में तो खाओगे ना, हाथ में लेके जमीन पर रख के तो खाओगे नहीं। अब ये थोड़ी कोई बताएगा कि बर्तन में लेके खाओगे, खाना खाना है तो अब तुम खुद ही समझ जाओ बर्तन में खाएंगे। तो वैसे क्या ये जो चैप्टर है ना, ये जिस पे आधारित है उनसे रिलेटेड जो फिगर हैं, जो आकृतियां हैं, जो चित्र हैं, उनके बारे में आपको आना चाहिए। ये कहीं लिखा नहीं गया कि इसमें ऐसा होता वैसा होता या फिर इसके बारे में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। तो आयत की भुजाओं में क्या होता खासियत, इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सम्मुख बराबर होती हैं बस, सब नहीं। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये सात है तो ये भी सात है, और ये भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये तीन है तो ये भी तीन है। और जबकि जो दूसरा है जिसके बारे में अभी बात किया मैंने, वर्ग के बारे में, इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल, सब बराबर होती हैं चारों तरफ से। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोला कि आप बोल रहे हैं नाम बोलने को, काहे को परेशान है आप लोग, काहे चिढ़ रहे हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 90 से अधिक और 180 से कम माप के कोण किस प्रकार के कोण होते हैं, जल्दी बताइए। 90 से अधिक और 180 से कम माप के कोण किस प्रकार के कोण होते हैं। नब्बे से अधिक और 180 से कम, ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा सम कोण और चौथा संपूर्ण कोण, पांचवा ऑप्शन भी है बृहत कोण, खुशी के लिए तुम्हारी। चलो जल्दी बताइए, फिर से बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। जब भगवान बुद्धि दे रहे थे तो इनके भूख लगी थी, ये नहीं लिए। बिल्कुल सही, इसमें जो सबसे पहला जवाब आया है, देखिए यहाँ पर एक दो बकलोर टाइप के बैठे हैं, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मुंह में गोबर भरे हैं, तीन बार पूछ रहे हैं तो एक बार बोल रहे हैं। यहाँ हमारे जो ऑनलाइन वाले हैं यही अच्छे हैं। कमलेश जी का सबसे पहला जवाब था, कमलेश जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। दीपका, नेहा, अच्छा कोई कह रहा सर स्माइल तो कर रहे हैं, मतलब क्यों भाई, मैंने कहा था कि स्माइल नहीं करेंगे आप। अच्छा जो बताया था वो हादसा वाला का, चलिए छोड़िए वो सब, जाने दीजिए। तो ये क्या होता है, 90 से अधिक और 180 से कम, चाहे तो ये बोलें और चाहे तो ये सीधा फीधा बोलें कि इतना तक, इतना से इतना तक या इतने के बीच में, ये अधिक कोण होता है। न्यून कोण जो होता है वो 90 से कम होता है, 90 से अधिक नहीं होता है। न्यून कोण केवल 89 तक होता है, मतलब 1 से लेकर के 89 तक न्यून कोण होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिए और बताते जाइए। देखिए इसमें अभ्यास प्रश्न है। हाँ, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 180 अंश के कोण का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है संपूर्ण कोण, दूसरा है शून्य कोण, तीसरा है ऋजु कोण और चौथा है बृहत कोण, बताइए। रचना, रश्मि सिंह, लाइव क्लास के साथ साथ ऑफलाइन में स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, अच्छी बात है ऑफलाइन में ले रहे हैं, बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात कि नहीं। अरे ये स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के मम्मी पापा हैं जो यहाँ पे, ये अब स्टूडेंट के काबिल नहीं बचे। चलिए आप लोग समझ गए, मैंने अभी क्या पूछा कि 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं भैया, उसका नाम क्या है, बृहत कोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण है, संपूर्ण कोण है, हो सकता है ऑप्शन बदल गया हो, तो इसका सही जवाब है ऋजु कोण है।
जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, जो सीधा फीदा जाता है। ठीक है, समझ गए ना। एक और बताइए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव होती है, क्या होती है? पहला ऑप्शन है शून्य होती है, दूसरा असमान होती है, तीसरा समान होती है, चौथा ऑप्शन है अनंत होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, समांतर होती है, समान होती है, समान होती का होती है? सबसे पहला और सही जवाब जो दिए हैं हमारे ऑनलाइन के ही स्टूडेंट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इनका नाम है क्या नाम है भाई इनका? रेखा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। दूसरे नंबर पर हैं अनुपम, तीसरे पर हैं योर सक्सेस जिनका नाम है, चौथे पर हैं अंजलि और प्रीति, पांचवें नंबर पर हैं और हम सब के साथ हैं, मतलब हम सबके साथ हैं या नहीं है इनका नाम है, ये कमेंट आ रहा है नाम से, इन्होंने भी अनंत बताया है। भैया वैसा नाम मत बोलो कि किसी का नाम लेके गाली दे दो, अपना नाम रख लो, अब मैं बोलूं वो नाम तो लोग कहें हमें गाली दे रहे। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। मैंने बताया था कि रेल की पटरी इसका एग्जाम्पल है। हाँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी, कल बताया था ना, रेल की पटरी क्या होती है? आपस में कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती है, कि एक उधर को चली गई, वो उधर को चली गई, रास्ते में लड़ाई हो गई, बवाल हो गया, साथ छोड़ के भाग गए। दोनों पटरी एक जगह से स्टार्ट जहां से होती है, जहां तक एंड होती है, सब बराबर दूरी पे साथ ही साथ रहती है ना, कहीं इधर उधर नहीं होती है। तो इनके बीच की दूरियां हमेशा आपस में क्या होती है? बराबर होती है, एक समान होती है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो ये हो गया, मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ हो गया है। और भी कुछ सीखना है किसी को? वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है वो क्या कहलाती है? बताइए, वो रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है वो क्या कहलाती है? ज्योमेट्री लेके जाना पड़ेगा एग्जाम में, ले जाना तो गड़बड़ नहीं है, वैसे कोई फिगर बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हाँ परीक्षा में ले जाना चाहिए, क्योंकि कोण वगैरह बनाने को पूछा जा सकता है। तो आप लोग परीक्षा में अपना ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेके जाइएगा, सारे औजार लेकर के उसमें। हाँ, पेटर नहीं भर रहा है कुछ लोग का, पढ़ेंगे का ये। ठीक है, बहुत अच्छे। कोई त्रिहत त्रियक बता रहा है, कोई वक्र बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, भैया इन्हें कर्व बोलते हैं शुद्ध भाषा में। वो रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है, मतलब उसका कुछ निश्चित ही नहीं है कि जाना कहाँ है, चले कहाँ से। अब ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो लोग कहते हैं आप पढ़ाते कम, बकवास ज़्यादा करते हो, इसलिए नहीं बोलेंगे। ये ऐसे ऐसे क्या, जिधर को चली जाए, जिधर को मूड बना उधर को गई, तो ये क्या कहलाती है? कर्व रेखा कहलाती है। इसमें मैंने दो चीज़ बताया था, एक क्लोज कर्व बताया था, एक ओपन कर्व बताया था, बंद वक्र और खुला वक्र। तो बंद वक्र और खुला वक्र में ये अंतर होता है कि अगर वो वक्र जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही है, समान है, दोनों समान है तो बंद वक्र होगा, अगर दोनों अलग अलग है तो खुला वक्र होगा। ठीक है, सौरभ त्रिपाठी बहुत अच्छे। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और, वैसे इसमें इससे ज्यादा कुछ था नहीं, और 11 भी बज गया, आज क्लास देर में शुरू हुई ना, 10:30 हुई तो आज 11:30 खत्म होगी। बकर बकर मत बोलिए आप लोग, डिस्टर्ब मत करिए उन लोग को, ठीक है। चलिए इतना हो गया,
नहीं दिख रहा है तो यूट्यूब पे देखिए ना आप लोग। हो गया तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा है। हाँ अगला चैप्टर में आप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस समय कुछ बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, जो लोग बोल रहे थे पिछले 10 दिन से कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब था, बस ज़िंदगी चल रही थी आप इतना जान लीजिए। मैंने बताया था पूरी स्टोरी, हम आपको संडे को बताएंगे। हाँ क्या बात है, कैसे क्या है, क्या क्या घटना है, सब बताएंगे संडे को। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल दिल थाम के रस्सी उसी से बांध के आइएगा। हाँ तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि बंद किया जाए, हो गया इतना टाइम बहुत है ना, ये चैप्टर खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लें आप लोग बता दीजिए तो अच्छी बात है, जो पढ़े हैं थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, जाना नहीं भाग के, सुनिए और बताइए। चलिए बताइए, दशमलव में बदलिए, चेंज इनटू डेसिमल, डेसिमल में आपको इसे कन्वर्ट करना है। पहला आप क्वेश्चन है 45%। अब ये रिवीजन है, अलग चीज है, इस चैप्टर से संबंधित नहीं है। 45% को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास रेगुलर सप्ताह में 3 दिन लाइव होती है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। कभी कभी आफत जैसे मुसीबत आ जाती है तो 3 दिन भी नहीं होती है, नहीं तो अगर हम सकुशल रहते हैं तो चलती है 3 दिन। ठीक है बता देता हूं, देखिए इसमें अगर परसेंटेज हटाएंगे तो हमेशा 100 से भाग करेंगे, और जब 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45। समझ में आया? सबसे पहला जवाब आया था इसमें दीपिका का, बहुत अच्छे दीपिका जी, वेरी गुड। अनुपम, रश्मि, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, 17.5%, इसको आप अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए फटाफट, बुद्धि नहीं काम कर रही क्या? 17.5%। चलिए फटाफट बताइए भाई भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर पी मान लीजिए इसको, 0.12, इसको बताइए आप, उसको छोड़िए, इसको परसेंटेज में बदलिए, क्या करिए, परसेंटेज में बदलिए, जल्दी बताइए कितना प्रतिशत आएगा ये। देखिए परसेंटेज में बदलने के लिए सदैव 100 से मल्टीपल करेंगे, बताया था ना, और अगर चिन्ह हटाना है तो भाग करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 0.12, इसको 100 से मल्टीपल करेंगे दिया जाएगा कितना, 12 00 लगा दोगे, दो अंक पे दशमलव, कुल मिला के फाइनल में 12 आएगा। का सबसे पहला जवाब आया था दीपिका पटेल, दीपेंद्र यादव, दीपेंद्र जी गलत है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाना, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर तो लगाना ही है, वहां पर नहीं लगाना चाचा, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ ये सही है, 12%। देखिए जो लोग परसेंटेज का चिन्ह यहाँ नहीं लगाए उनका गलत है, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि आपकी शादी हो रही है, हाँ, और अब बाराती तो चले गए लेकिन सब लोग जैसे हैं ना, तो आप कुछ टोपी ओपी लगाए हैं, कुछ अलग नहीं दिख रहे हैं चटक मटक, तो वहाँ दूल्हा कंफ्यूज हो जाएंगे घर वाले कि दूल्हा कौन है बाराती कौन है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ये क्वेश्चन लगाए ना आप यहाँ पे, तो इसमें जो आंसर आया है उसमें कुछ उसी रूप में आप लिखोगे जो करना है क्वेश्चन, समझ रहे ना आप लोग, बताया था ना, हाँ बताया था, ठीक है चलिए। तो इस तरह के आप लोग इनको सबको समझ गए, एक छोटा सा और भी प्रश्न है हमारा लास्ट में आप लोगों से, सुनिए, अगर किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 है, ये क्वेश्चन मैं पूछा हूँ कई बार आप लोगों से, और इस परीक्षा में कोई बच्चा 350 नंबर पाता है तो बताओ कितना परसेंट नंबर हासिल किया, बताइए। ये मैक्सिमम मार्क्स है किसी एग्जाम का और ये अपटेंट मार्क्स है,
तो कितने परसेंट नंबर हासिल किए? जल्दी जवाब दीजिए फटाफट, कितना होगा? 500 पूर्णांक है, 350 नंबर मिल रहा है, कितना परसेंट हुआ? जल्दी बताइए, हो गया? सबसे पहला जवाब आ गया है, उनका नाम है माया गौड़, प्रीति क्रिएशन, क्यूट फिजा खान, रेखा, कितना होगा? नहीं, बुद्धि दे रहे थे भगवान तो इनको भूख लग गई थी, नहीं मालूम है। देखिए, मैंने उस दिन बताया था, सिंपल सी बात है, अगर इस तरह के कहीं पूर्णांक और प्राप्तांक आपको दिए हैं, परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे भाई? जितना पूर्णांक वो अपटेंड मार्क्स है उसको गुणा करते हैं, किससे? 100 से गुणा करते हैं और पूर्णांक से कर देते हैं भाग, पूर्णांक से भाग कर देते हैं, बस यही करते हैं। 20 से 20 कट गया, 5 से काट दो, 70% आएगा, कितना आया? 70%। बिना पेन उठाए भी ये लोगों को पता होना चाहिए, छोटी सी बात है। अच्छा एक और बताइए, चलिए जल्दी से फटाफट बिना पेन उठाए बताइएगा, हम भी बताएंगे बिना पेन उठाए, चलिए बताइए, जल्दी करिए, फटाफट करिए। अगर ये पूर्णांक यहाँ पर 600 हो जाए, ये मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पर जो अपटेंड मार्क्स है, ध्यान देना, वो 400 हो जाए अपटेंड मार्क्स, तो वो कितना परसेंट बनेगा? किसी परीक्षा में जिसका पूर्णांक 600 है, कोई बच्चा 400 नंबर हासिल करता है, तो कितने परसेंट नंबर बनेंगे? मामला फंस गया ना, जल्दी करिए फटाफट। नहीं आ रहा है, हो गया। इसे अगर आप लोग जो कंपटीशन वाले इसमें देख रहे हैं, अगर वो नहीं बता पा रहे हैं, तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला, उनका भगवान ही भला करे। बहुत अच्छे बच्चे जो परसेंटेज में कुछ बता रहे हैं, दशमलव में आएगा। देखिए एक्चुअली इसमें कुछ मामला झोल झाल है, हुई है, पूर्णांक तो 400 है, 100 से गुणा करोगे, 600 से भाग करोगे, ये जीरो तो कट गया, लेकिन ये अटक जा रहा है, ये क्योंकि ये दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो 66.66 समथिंग आ रहा ना। इनको ऐसे भाग दे लो बिना काटे पीटे, 400 को 6 से भाग कर दो, 6×36 घटाने पाया 6, फिर आप क्या करोगे भाई? जीरो उतार लो, क्यों ऐसे तो जाएगा ना, 6×42 ले जाते, ज्यादा हो जाता। इसमें से घटाओगे 4 आएगा, 40 बचेगा, फिर 6×36 फिर आएगा आपका 4। अब दशमलव बढ़ाओगे वही आएगा फाइनल में 66.66%, 66.66%। याद रखना, इसको कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 66.66%, क्योंकि ये 66 नहीं है, 66 नहीं है, वो ओनली 66 बोलेंगे, क्योंकि वो 1 से भी कम है, ठीक है। लक्की नितेश जंगी रामपुरा पावटरा की धरती से प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपको भी नमस्कार। लेकिन अब आप क्लास देखिए, अब आप क्लास देखिए, हो गया, आप समझ गए ना? लेकिन इतने में इतना झिलवा दिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का था। ये भाई कॉपी पेस्ट वाले को ब्लॉक करो, ये लोग डंडा करके रखे हैं। एक और बताइए फटाफट, चलिए और बताइए। एक दिन मैंने फिर पूछा था, आज मैं फिर पूछ रहा हूं, कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है? बताइए कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, प्राइम नंबर भी है? पढ़ना लिखना तो है ना इन लोग को, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे भी है।
चलिए फटाफट बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही जवाब है दो। ठीक है, देखिए जो लोग सवाल करते हैं वन वन के बारे में, तो वन ना तो भाज्य है ना अभाज्य है भाई, ये कोई भी नियम का पालन नहीं करती है। संख्या वन जो है वो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, कुछ नहीं। तो ये सब रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए फिर इसी में, ये सब आपके चैप्टर के ही हैं जो सब हो रहे हैं। इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी करिए फट से बताइए। कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा। देखिए दशमलव वाला बहुत आसान होता है, एकदम आसान होता है, जैसे हलवा। आप समझ गए ना कितना आसान, मतलब बिना मेहनत के मिल जाए। देखिए इसमें बिना दशमलव के आप इनको ऐसे मानिए कि तीन है, बारह ही चार है, गुणा आप कर ही लोगे, चार तिहाई बारह, और बारह का बारह में 144 आएगा, ये 144 लिख दिया। यहाँ पर एक अंक पर दशमलव था, यहाँ पर दो अंक पर दशमलव था, एक में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तीन, कितना हो जाएगा तीन, तो फाइनल में तीन अंक पर दशमलव हो जाएगा, एक दो तीन यहाँ पर। ठीक है, तो 0.144 आएगा। एक अंक पर ये, दो अंक पर ये, इन दोनों के जितने जितने अंक है इनको जोड़ लिया जाता है, यहाँ पर वन अंक पर है और ये दो अंक पर है, तो दो ये जोड़ करके तीन बनता है, तो फाइनल में तीन अंक पर दशमलव लगता है। अगर यहाँ पर तीन अंक उपलब्ध नहीं है तो संख्या के बाईं तरफ जीरो बढ़ा के तीन अंक बना लिया जाता है। इसमें देखिए कुछ ऐसे ही होगा, ये बारह का गुणा पांच में करेंगे तो बारह पंचे साठ, ये साठ आ गया। यहाँ पर दशमलव तीन अंक पर है, जरा ध्यान देना, तो जो यहाँ दशमलव लगेगा वो तीन अंक पर लगेगा। अब भैया यहाँ तीन अंक है ये नहीं है तो कैसे लगेगा, यहाँ पर हम एक अंक और बढ़ा लेंगे जीरो लगा के। हाँ लेकिन यहाँ ध्यान रहे, ये जीरो हम इधर साइड नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये सब अनर्थ हो जाएगा। जीरो बढ़ाएंगे लेकिन इधर संख्या के इधर साइड, और यहाँ लगेगा दशमलव, देखो तीन अंक हो गया। इसको इसके पहले जीरो लगा लेते हैं इसकी इज्जत बचाने के लिए शुरू शुरू में बस। और ये जीरो कहाँ से आता है इसके बारे में बताया था, जब भाग करते हैं अगर वन टाइम नहीं जाता है तो पहले जीरो बार ले जाते हैं फिर दशमलव बार ले जाते हैं, इसलिए आता है। समझ में आया ना सभी को। देखिए आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से ये क्लास ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। हाँ मैंने कल भी बताया था कि अगर आप लोगों की संख्या 100 के प्लस होती है तो ये क्लास देर तक चल सकती है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, शर्माते हैं। मैंने कहा था कि ज़्यादा लोग को मत लेके आओ, आप खुद आओ, उसको भी लेके आओ अपने, बस इतने तो बोला था, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, नहीं लाते हैं, अकेले आते हैं, तो हम क्या करते हैं। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।